हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल इंग्लिश विद इंजीनियरिंग मेथड्स। दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको टाइमली सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम कवर करेंगे टाइप्स ऑफ टेंस, टेंस क्या होते हैं, उनकी इंग्लिश ग्रामर में क्या इंपॉर्टेंस होती है। टेंस की मदद से हमें समय के बारे में जानकारी मिलती है, जैसे कोई काम की अभी क्या पोजिशन है, कोई काम हुआ है या नहीं हुआ है, अभी चल रहा है या फिर आने वाले समय में कब होगा। देयर इज टू टाइप्स ऑफ टेंस। टेंस दो तरीके के होते हैं दोस्तों। फर्स्ट इज एक्टिव वॉइस, सेकेंड इज पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में हमें सब्जेक्ट, काम करने वाले के बारे में पता होता है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं दोस्तों। ही रीड्स, वह पढ़ता है। ही सब्जेक्ट है दोस्तों और हमें पता है कि कौन काम कर रहा है, इसलिए पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में दोस्तों काम करने वाले के बारे में पता नहीं होता। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। द हाउसेज वर सोल्ड, मकान बेचे गए। मकान किसने बेचे पता नहीं है। नोट, कोई काम किसने किया जब आपको ये पता ना चले तो उस तरह के सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस की मदद से बनाते हैं। थ्री टाइप्स ऑफ एक्टिव वॉइस टेंस। फर्स्ट इज प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस चार पार्ट होते हैं दोस्तों। प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट टेंस के भी चार पार्ट होते हैं दोस्तों। पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर के दोस्तों, फ्यूचर के भी चार पार्ट होते हैं। फ्यूचर इंडेफिनेट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। और दोस्तों, आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है और वो इंग्लिश ग्रामर में कितना इंपॉर्टेंट है। जिस टेंस की मदद से हमें वर्तमान प्रेजेंट समय के बारे में पता चले उसे प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस कहते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टेंस अकॉर्डिंग टू डेली स्पीकिंग एज वेल एज नॉर्मल कन्वर्सेशन। नॉर्मली वी यूज दिस टेंस फॉर टेलिंग यूनिवर्सल ट्रूथ, न्यूज़पेपर हेडलाइंस, हैबिट, डेली रूटीन ईटीसी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेंस है दोस्तों इंग्लिश स्पीकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो भी हम डेली करते हैं। पहचान, इस टेंस की मदद से हमें ये पता चलता है कि काम प्रेजेंट में है। इसकी पहचान यह है दोस्तों कि सेंटेंस के अंत में ता है, ती है, ते है आदि आता है। नोट, ही सी इट एंड सिंगुलर नाउन्स वी यूज एस ई एस, आई वी यू दे एंड प्लुरल नाउन वी यूज डू। ही सी इट एंड सिंगुलर नाउन्स वी यूज डस। अब आपको जानकारी मिल गई है दोस्तों कि ही सीट और सिंगुलर और प्लुरल नाउन के साथ किसका यूज करना है। द रूल फॉर सेंटेंस स्ट्रक्चर। रूल दोस्तों, रूल फर्स्ट सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। इन पॉजिटिव केस में जब हम पॉजिटिव सेंटेंस बनाते हैं तो हमें रूल फर्स्ट को फॉलो करना है। रूल सेकेंड, सब्जेक्ट प्लस डू डस प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट इन नेगेटिव केस में। रूल थर्ड ए, डू डस प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट इन पॉजिटिव इंट्रोगेटिव केस में। और रूल थर्ड बी दोस्तों, जब नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं हम, डू डस प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट इन नेगेटिव इंट्रोगेटिव केस। रूल फोर्थ ए, डब्ल्यू एच प्लस डू डस प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव केस। रूल फोर्थ बी, डब्ल्यू एच प्लस डू डस प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव नेगेटिव केस। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं दोस्तों। एग्जाम्पल, मैं पढ़ता हूँ आई रीड, मैं नहीं पढ़ता हूँ आई डोंट रीड। ये कॉन्ट्रेक्शन है दोस्तों यहाँ पे डू नॉट का। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है दोस्तों, वहाँ पे आप कॉन्ट्रेक्शन की वीडियो देख सकते हैं। क्या मैं पढ़ता हूँ डू आई रीड, क्या मैं नहीं पढ़ता हूँ डोंट आई रीड, डू आई नॉट रीड, मैं क्यों पढ़ता हूँ वाई डू आई रीड, मैं क्यों नहीं पढ़ता हूँ वाई डोंट आई रीड। दोस्तों एग्जाम्पल भी दिए हैं मैंने, इमेजेस भी दिए ताकि आप इजिली ज़्यादा से ज़्यादा इजी तरीके से इस टेंस को बहुत ही इजिली समझ सकें। नोट, फर्स्ट यूनिवर्सल ट्रूथ और परमानेंट फैक्ट्स के लिए यूज करते हैं दोस्तों हम। चलिए एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सूर्य हमें प्रकाश देता है, सन गिव्स अस लाइट। पौधे मिट्टी में उगते हैं, प्लांट्स ग्रो इन सोल। सूर्य पूर्व से निकलता है, द सन राइज इन द ईस्ट। सूर्य पूर्व में उगता है और पश्चिम में अस्त होता है, द सन राइज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। दोस्तों इमेजेस के थ्रू आप बहुत ही इजी तरीके से समझ सकते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेंस है दोस्तों। नोट टू, डेली रूटीन एंड हैबिचुअल एक्शन के लिए हम यूज करते हैं। वह रोज दौड़ता है, ही रन्स एवरी डे। वह अच्छा बोलता है, ही स्पीक्स वेल। वह अच्छा देखता है, ही सीज नाइस। मैं रोज नाश्ता करता हूँ, आई ईट ब्रेकफास्ट एवरी डे। मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। दोस्तों इमेजेस के थ्रू और एग्जाम्पल के थ्रू आप इजिली समझ सकते हैं, इसलिए मैंने इनको ब्रेक करके दिखाया आपको। नोट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ के थ्रू समझाया है ताकि आप इस टेंस को अच्छी तरह से समझ सकें। नोट थर्ड, न्यूज़पेपर की हेडलाइंस के लिए दोस्तों।
विराट कोहली ने तोड़ा एक और रिकॉर्ड, विराट कोहली ब्रेक्स अनदर रिकॉर्ड्स, ये न्यूज़पेपर की हेडलाइंस में इस तरीके से प्रेजेंट इंडेफिनेट का यूज होता है दोस्तों। नोट फोर, नियर फ्यूचर एक्शन के शेड्यूल के लिए जिम सुबह 5:30 बजे खुलता है, द जिम ओपन्स एट 5:30 मॉर्निंग, मैं अप्रैल में अपनी छुट्टी पर जाता हूँ, आई गो ऑन माई वेकेशन इन अप्रैल, बस शाम 6 बजे निकलती है, द बस लीव्स एट इवनिंग 6। तो दोस्तों आपने देखा ही किस तरीके से हमने प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस को समझा, उसके एग्जाम्पल के थ्रू समझा। और दोस्तों ये इंग्लिश स्पीकिंग में बहुत ही जरूरी टेंस है और ज़्यादा हम यही यूज़ करते हैं टेंस का, इसलिए मेरी कोशिश है कि आप इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें और ताकि आप फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकिंग बोल सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।